गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो पहुंच रहा है आप तक? ऑल राइट, इट इज ऑडिबल। ऑल राइट, 100+ क्वेश्चंस हमने देखे ऑलरेडी, अक्टूबर के डिस्कस कर लिए हैं। वैसे तो 100 जो नंबर है वो अपने आप में एक सफिशिएंट नंबर होता है, अगर 100 क्वेश्चंस आपने करंट अफेयर्स के कर रखे हैं महीने के। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि नवंबर के क्वेश्चंस अभी इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, तो तब तक जितने भी और मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे अक्टूबर के हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक चलिए जी, तो स्टार्ट करें। उससे पहले कुछ पुराना चेक कर लेते हैं, मामला तैयार है कि नहीं। बताइए, वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट करा जाता है, किस दिन से किस दिन तक? सेंगोंग जी, आई एम बढ़िया। ताशी दिलेक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, इसका आंसर दीजिए। When is Wildlife Week celebrated annually across the India? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज भैया 2 से 8 अक्टूबर। चलिए बढ़िया, इस पे आ जाइए। ये बताइए, विच कंट्री ऑफ इंडिया यूके ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग? अच्छा हाँ, इंडिया यूके की ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है अजेय वॉरियर। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर। तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है चौबाटिया उत्तराखंड में, तो कौन सा एडिशन है ये? अजय वॉरियर का कौन सा एडिशन था इस बार? करेक्ट आंसर इज 6th एडिशन। ठीक है, द फॉरगॉटन कश्मीर, द अदर साइड ऑफ द एलओसी, इसके ऑथर कौन है? द फॉरगॉटन कश्मीर, द अदर साइड ऑफ द एलओसी, ऑथर बताइए इसके कौन है? करेक्ट आंसर इज दिनकर पी श्रीवास्तव। उम्मीद है आपको चीजें याद होंगी, भूल नहीं रहे होंगे। आज हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट, कि मसला हो गया। ठीक है, ये रहा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 116 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 115 तक हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 116, करेक्ट आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड एबेकस 2.0? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म एबेकस 2.0? बी आंसर, बी या डी? डायना जी कह रहे हैं डी आंसर, बाकी लोग ए या बी में कंफ्यूज हैं। भैया करेक्ट आंसर इज आरबीएल बैंक। एबेकस 2.0 क्या होता है? एबेकस 2.0 समझें, उससे पहले हम एक कहानी समझते हैं। जैसे एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर है, मान लीजिए किसी की कपड़ों की दुकान है, ठीक है, कपड़ों की दुकान है, तो अब वो अपने कस्टमर्स को, अगर जैसे उसके जो कोई रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको थोड़ा सा जानता होगा कि अगर कस्टमर ए आएगा तो उसको मुझे क्या दिखाना है, कस्टमर बी आएगा तो वो क्या पसंद करता है, मैं उसके लिए क्या प्रेजेंट करूं। अब पता चला कस्टमर ए पसंद करता है जीन्स शर्ट, आप उसे दिखा रहे हो बिल्कुल कुर्ता। ठीक है,
कस्टमर बी पसंद करता है टी शर्ट, आप उसे दिखा रहे हो शर्ट, तो यहाँ सीन क्या होता है, कस्टमर्स आपसे दूर जाने लगते हैं, ठीक है, कस्टमर्स आपको अवॉइड करते हैं। तो एक अच्छा दुकानदार वही है जो जानता है कि मेरे कस्टमर्स की डिमांड क्या है। तो यही चीज बैंकों में होती है। बैंक्स में क्या होता है, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उन्हीं चीज को कैप्चर करने के लिए, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पकड़ने के लिए जो आरबीएल बैंक है उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, एबेकस 2.0। तो इसका काम यही रहेगा कि हर कस्टमर का बिहेवियोरियल डाटा इकट्ठा करे और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करे कि इस कस्टमर को हम अपनी कौन सी सर्विस आगे रखें ताकि ये हमसे परचेज कर ले। ठीक है, एबेकस 2.0 का काम क्या है, हर कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करेगा। तो जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया साइट्स क्या करती हैं, आपका बिहेवियर ही तो स्टडी करती हैं कि आप गूगल पे बाइक्स सर्च कर रहे हैं, शूज सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही चीजें आपको वो खरीदने का ऑफर देते हैं। तो सेम इसी तरह की चीज आपका आरबीएल बैंक कर रही है, ये भी क्या कर रही है, आपका बिहेवियोरियल डाटा इकट्ठा कर रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज आरबीएल बैंक, कौन सा प्लेटफॉर्म, एबेकस 2.0, याद रखिएगा, क्लियर है। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज आरबीएल बैंक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च द डिजी बुक इनोवेशंस फॉर यू? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च द डिजी बुक इनोवेशंस फॉर यू, बताइए। करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 117। ऑल राइट, मेजर कह रहे हैं नीति आयोग, आनो इज कंफ्यूज फॉर नीति आयोग। करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। ठीक है, डिजी बुक मतलब एक डिजिटल बुक लॉन्च करी है, नाम है उसका इनोवेशंस फॉर यू। एक हमारा अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है जिसमें हमारा टारगेट रहता है कि इंडिया में हम इनोवेशंस को बढ़ावा दें। ठीक है, तो अटल इनोवेशन के तहत जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको शेयर किया गया है इस डीजी बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का भैया फुल फॉर्म क्या है? ना जी, नेशनल साइंस सेक्टर नहीं, करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। अब आप बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, नीति आयोग का फुल फॉर्म आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी भैया जल्दी। बहुत बढ़िया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। ठीक है, 2015 में ये बॉडी बनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं नीति आयोग से रिलेटेड, कभी नहीं भूलना है। कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। रिसेंटली जयनगर कुर्ता क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक हैज बीन बिल्ट बाई इंडिया is handed over to which of the following countries? एक लोकेशन है जयनगर, एक लोकेशन है कुर्था। ठीक है, तो ये बॉर्डर के अक्रॉस है, मतलब ये कुर्था दूसरी कंट्री में, जयनगर दूसरी कंट्री में, तो एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक क्रिएट हुई है बिटवीन जयनगर एंड कुर्था। तो ये इंडिया ने डेवलप की है और डेवलप करके किस कंट्री को दे दी है, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, तो जयनगर कुर्ता के बीच में जो लिंक है, तो जयनगर आपका पड़ता है बिहार वाले एरिया में, ये इंडिया का पार्ट है, और कुर्ता कहाँ पड़ता है, कुर्ता पड़ता है नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल और इंडिया के बीच एक क्रॉस बॉर्डर लिंक है, ये इंडिया ने बना के, ऑब्वियसली अगर नेपाल के लिए बनाया तो बांग्लादेश को तो नहीं देंगे, इसको देंगे, नेपाल को देंगे। करेक्ट आंसर इज नेपाल। ठीक है, ये पूरा आपका 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है,
जयनगर कहाँ है बिहार में और कुर्था कहाँ है नेपाल में, ये नेपाल गवर्नमेंट को हमने बना के सौंप दिया। ऑब्वियसली किससे क्या होगा, ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देश के लोगों के बीच लिंकेजेस को बढ़ाया जा सकेगा। ये जो छोटा सा एक सेक्शन है ना जयनगर से कुर्ता, ये एक छोटा सा सेक्शन है इसका एक बड़े पिक्चर का, जिसमें है आपका जयनगर बीजलपुरा बर्दीदास। तो जयनगर से लेकर बीजलपुरा होते हुए बर्दीदास तक का ये पूरा आपका सेक्शन है और उसी का एक पार्ट है कुर्ता जो अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 8.77 नेपाली रुपी बिलियन 8.77 बिलियन नेपाली रुपी की मदद से ये क्रिएट हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 119। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, बताइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, बताइए। अनु जी कह रहे हैं VSS, बाकी लोग भी ए। ऑल राइट, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स अच्छी किताब है, पढ़ लेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी। किसने लिखी है, वेंकटर घवन सुबा श्रीनिवासन। तो ये इंडिया के जितने भी स्टेट्स बने हैं, आपको जितने भी स्टेट्स की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो सारी स्टोरी इस किताब में मिलेंगी। इस फैसिनेटिंग एंड इल्यूमिनेटेड अकाउंट ऑफ द जेनेसिस ऑफ इंडिया स्टेट्स, मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स है किस तरह से प्रोड्यूस हुए, किस तरह से फॉर्म हुए, इन सब की जानकारी मिलेगी। इनक्रेडिबल ओरिजिन स्टोरीज ऑफ ईच ऑफ इंडिया 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज स्पैनिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस अंटिल टुडे, इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक की सारी कहानी स्टेट की आपको इस किताब में मिलेगी। द स्टेट दैट वॉज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ इंडिया Until 1975, the UT that had a PM for a single day, the state that has not one or two but three capitals, and the UT that has beaches on both coasts, this book looks into such unique aspects of Indian history. मतलब ऐसे भी केस हुए हैं जो 1975 तक हमारे पार्ट नहीं थे, लाइक सिक्किम। ऐसा यूटी जिसका प्राइम मिनिस्टर रहा फॉर अ सिंगल डे, ठीक है, ऐसा स्टेट जिसके एक दो नहीं तीन कैपिटल्स हैं, ऐसा यूटी जिसके दोनों साइड बीचेस हैं, ठीक है। तो इस तरह के यूनिक फैक्ट से रिलेटेड ये आपका किताब डील करती है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। किसने लिखा है, VSS, शॉर्ट में याद रख लीजिए श्रीनिवासन, ठीक है, VSS एस याद रख लीजिए श्रीनिवासन, पूरा नाम कितना याद रखेंगे परेशान हो, ठीक है। तो अपने को अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में करके चले आना है। तो बिल्कुल ये नहीं कि पूरा नाम ही याद होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ऐसा कुछ नहीं। VSS याद रखिए और श्रीनिवासन याद रखिए, कर ले जाएंगे। किताब बढ़िया है, पढ़ लीजिएगा, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन स्टोरी अगर है तो सारा क्लियर हो जाएगा, सारे स्टेट फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट विद 10 मेगावाट कैपेसिटी, बताइए। अभी हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट, देखिए हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज हैवीली इन्वेस्टिंग इन हाइड्रोजन सेक्टर, ठीक है। हाइड्रोजन एनर्जी में हम ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, तो सवाल इससे बनने के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट विद 10 मेगावाट कैपेसिटी, जल्दी से बताइए। इज इट ONGC, गेल, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। ये करेक्ट आंसर इज गेल, ठीक है, करेक्ट आंसर इज गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब मेरा सवाल ये, गैस गेल का हेडक्वार्टर बताइए,
देखिए स्टेट पीसीएस में कभी कभी ये पीएसयूज के हेडक्वार्टर्स भी पूछ लेता है, ठीक है? तो एक बार मेरे को गेल का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ मिलेगा, सभी के बताइए, गेल का बताइए, फिर सेल का बताइए, एनटीपीसी का बताइए, ओएनजीसी का बताइए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा सा सर्च करिए और मेरे को देख के बताइए गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेल का कहाँ है। सभी के दिल्ली हैं, ठीक कहाँ मिलेगा, दिल्ली। गेल की अगर हम बात करें तो 1984 में गेल आपको एस्टैब्लिश हुई थी एज अ पीएसयू अंडरनीथ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिफाइनिंग एंड हैंडलिंग बिजनेस इन इंडिया। तो जो भी नेचुरल गैस का काम है वो गेल हैंडल करता है सबसे ज्यादा, ठीक है? और कहाँ पर लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फर्स्ट एवर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो जो अवार्ड्स वाला सेक्शन होता है तो अवार्ड्स वाले सेक्शन का ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है? देखिए इतने क्वेश्चंस आप रेडी कर लेंगे तो इससे बाहर क्या कुछ बचता नहीं है, ठीक है? तो ये एक कंसाइज और क्रिस्प आपको मटेरियल बना के दिया जाता है, आप इस पे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है? इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना मटेरियल आप रेडी करके जाइए, अगर आपको लगता है ये कम है तो एटलीस्ट इतना करके जाइए, ठीक है? हाँ जी, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो सॉरी फर्स्ट एवर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, ये करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी, मार्टिन भी है इस्तवान भी है, ठीक है? मार्टिन भी है और इस्तवान भी है, दोनों ही हैं। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन टू लिविंग लेजेंड्स, ठीक है? टू लिविंग लेजेंड्स को दिया गया ऑफ मॉडर्न सिनेमा, हॉलीवुड डायरेक्टर मार्टिन एंड इस्तवान एट द इनॉगरल इवेंट ऑफ द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सत्यजीत रे वॉज ए फेमस इंडियन फिल्म मेकर, ठीक है? सत्यजीत रे बंगाल के थे, फेमस इंडियन फिल्म मेकर रहे, उन्हीं के नाम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है? तो नाम याद रखेंगे किसका, मार्टिन इस्तवान, एम आई मार्टविन मार्टिन इस्तवान। चलिए जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया इन अचीविंग ODF एंड कनेक्टिंग एवरी हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन अचीविंग ODF एंड कनेक्टिंग एवरी हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। ODF बोले तो ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है? ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब ODF उस एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं जहां पर लोग खुले में
डेफिकेट नहीं करते हैं, मतलब खुले में शौच नहीं करते हैं, ठीक है, जहाँ टॉयलेट्स वगैरह बिल्ड हैं, ऐसा नहीं लोग खुले में डेफिकेट करें, तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं, ODF। तो इंडिया में अभी तक तो बहुत ही कम ODF है। तो पहला स्टेट जिसको ODF डिक्लेयर किया गया है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया है, तो दैट इज गोवा, ठीक है, गोवा को करा गया। गोवा हैज अचीव्ड ODF एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। तो जो ODF का प्रोटोकॉल है ये 2016 से चल रहा है, आपने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान। तो भारत सरकार का एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है स्वच्छ भारत अभियान। अम्ब्रेला प्रोग्राम क्या होता है, जिसके अंडर कई सारी स्कीम चलती हैं, तो ये एक सरकार का इनिशिएटिव है, इसके अंडर कई सारी स्कीम्स आपकी चलती हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, तो उसी के तहत 2016 में प्रोटोकॉल बनाया गया और ये डिसाइड किया गया कि हम एक हर एरिया को डिक्लेयर करेंगे, चेक करेंगे कि वो आपका ODF है या नहीं है, डेफिकेशन फ्री है या नहीं है, ओपन डेफिकेशन फ्री है या नहीं है। और फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड अंडर द हर घर जल मिशन। तो एक सरकार का एक मिशन चल रहा है, हर घर जल मिशन, ठीक है। तो इसके तहत फर्स्ट स्टेट भी है ये, टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड अंडर द हर घर जल मिशन। इसका एक और नाम है नल से जल, मतलब ये टारगेट है कि जो टैप वाटर, जो सरकारी नल होते हैं जिनमें पानी आता है, तो वो हर एक घर तक सरकारी नल की सुविधा हो, प्लस एक साफ पानी हो, ठीक है, पोर्टेबल वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए, ये टारगेट है, ठीक है। तो गोवा याद रखेंगे, वाह गोवा जाएंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप, 123। हु ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज MD एंड ग्रुप CEO ऑफ ICRA। ICRA क्या है, इंडियन वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है का ये, किए तो इसके MD और ग्रुप CEO किसको बनाया गया है ये बताना है। ICRA के MD और ग्रुप CEO किसको बनाया गया है, हाँ जी, आर के रामनाथ कृष्णन। बाकी लोग तो बहुमत किसके साथ है, सी के साथ है, हाँ जी करेक्ट आंसर है रामनाथ कृष्णन। ICRA की फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कई लोग इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी समझते हैं, नहीं, फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। बस यहीं पे वो सवाल डाल देता है जहां पर लोग कुछ समझते हैं और आंसर कुछ होता है। तो मेरा पर्पज ये है, ICRA एक कंपनी है, ठीक है, मतलब समझना क्या है, हमें समझना है ICRA एक कंपनी है, इसका काम क्या है, क्रेडिट देना, कंपनीज को क्रेडिट देना, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। होता है ना कुछ लोग जज करते हैं एक दूसरे को, तो ये वही करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या काम है, कंपनीज को जज करना, कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई कहा जाए कि आपके पास मान लो जैकपॉट लग गया, ठीक है, जैकपॉट लग गया, आपके पास आ गए 1,000 करोड़ रुपए आ गया, मान लो कहीं से, या आप पैदाइशी अमीर थे, आपके पास 1,000 करोड़ है, आपने सोचा मैं इसको लोन में उठाऊंगा, किसी को किराया कर्जा दूंगा, तो 1,000 करोड़ है, तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे पैसा मांगने आएंगे, एक साइड आपके आए अंबानी, एक साइड आए आपके विजय माल्या, तो आप किसको लोन दोगे, 1,000 करोड़ आप किसको दोगे, एक साइड है अंबानी एक साइड है विजय माल्या। अंबानी कह रहे हैं मैं 2% इंटरेस्ट दूंगा, माल्या कह रहे हैं मैं 15% इंटरेस्ट रेट दूंगा, बताइए। या चलो इंटरेस्ट दोनों मान लो बराबर देने, किसको लोन दोगे आप, अंबानी को या माल्या को,
हाँ जी बताइए। अरे भाई आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ चले गए भाई सब लोग? अंबानी को देंगे। तो हम पैसा किसको देंगे? अंबानी को देंगे। हालांकि हमें पता है अंबानी इंटरेस्ट रेट कम देगा, माल्या ज्यादा देगा, लेकिन फिर भी हम अंबानी को इसलिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अंबानी को भी जानते हैं, माल्या को भी जानते हैं, दोनों के रिकॉर्ड को जानते हैं कि अगर अंबानी को पैसा देंगे तो पैसा वापस आएगा, लेकिन माल्या का पैसा लौटाने में ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। ठीक है, माल्या का क्या है, पैसा लौटाने में ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। तो इस चीज को अगर आप सोचो कि आपके पास 1,000 करोड़ है, अब लेकिन हर किसी बिजनेसमैन के बारे में आपको जानकारी तो नहीं है ना कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कि वो पैसा टाइम पे देता है कि नहीं देता है। तो ये आपके पास ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, कि किस पर्सन के पास, ठीक है, कि आपको किस पर्सन को कितना क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये आपके पास जानकारी नहीं है कि कौन सा पर्सन कितना क्रेडिट वर्दी है, कितना लायक है पैसा लेने के। तो इसी के लिए एक कंपनी काम करती है, जो एजेंसीज काम करती हैं, इन्हीं को कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, यही कहलाती है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इनका काम क्या होता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी हिस्ट्री देखती हैं कि उन्होंने जब भी लोन लिया तो कितने टाइम पे वो उसको चुका पाए, कितनी जल्दी, कितने प्रॉपर टाइम पे वो उसको चुका पाए। उसी हिसाब से हर कंपनी को वो रेटिंग दे देते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट रेटिंग ये देते हैं वो होती है AAA, और सबसे लोएस्ट रेटिंग जो ये देते हैं वो होती है B। तो ऑब्वियसली बात है, जिसकी जितनी रेटिंग हाई होगी आप उसी को उतना प्रिफर करोगे लोन देने के लिए, और जितनी रेटिंग जिसकी लो होगी उतना ही आप उसको कम प्रिफर करोगे। तो जो लोग लोन में पैसा देते हैं, जो बैंक्स वगैरह, तो उनको बड़ी मदद मिलती है इनकी हेल्प से, कि आइडेंटिफाई करने में कि किसको लोन दिया जाए किसको लोन नहीं दिया जाए। ठीक है, हाँ, मेजर को पैसा ही नहीं देना है, कह रहा है मैं तो 1,000 करोड़ खर्च कर लूंगा। कह रहा क्या 1,000 से 10,000 बनाओ, अपनी तो जिंदगी कट जाएगी, 1,000 करोड़ में याशी से क्या दिक्कत है। चलिए ये भी थिंकिंग बढ़ गया है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का यहाँ पर आपको रोल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो, ये समझ में आया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या है? ये बस चेक करती है कि कोई बंदा पैसा कितने टाइम में लौटा रहा है। यस और नो, कोई डाउट तो नहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर? चलिए, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो गया। अब डिफरेंट डिफरेंट नाम की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे क्रिसिल है, ICRA है, केयर है, SMERA है, फिच इंडिया है, ब्रिकवर्क रेटिंग्स है। तो आप न्यूज़ वगैरह में इन सब नामों को सुनते रहते होंगे, तो जब भी इन नामों को सुने तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये CRAs हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CRAs कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। नेम द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट विच वाज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO। हाई स्पीड एक्सपेंडेड एरियल टारगेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं हीट, HEAT, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट विच वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाई DRDO। बताइए इसका आंसर, पहले बताइए नाम क्या उसका। हेलो जी, हेलो, ऑलराइट, अभ्यास। बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ जी, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? बाकी लोग कहाँ हैं भाई? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज अभ्यास। ठीक है, अभी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है क्या? तो देखिए ऐसा होता है, जैसे आपने सुना होगा मिसाइल्स के टेस्ट होते हैं, कोई भी मिसाइल हवा में
अटैक करेगी या नहीं करेगी, तो उस मिसाइल को हम क्या करते हैं, लॉन्च करने से पहले उसका टेस्ट करते हैं। लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए, टेस्ट करते किस पे होंगे, कोई तो चीज होगी ना जिस पे टेस्ट करते होंगे। तो ये वही चीज है जिस पे मिसाइल का टेस्ट होता है, एक ड्रोन होता है, ठीक है, एक बड़ा सा एक ड्रोन होता है जिस पर हम किसको टेस्ट करते हैं, मिसाइल को टेस्ट करते हैं। ये ड्रोन आपका दौड़ेगा और इधर से आपकी मिसाइल आएगी, और इसको अगर डिस्ट्रॉय कर ली गई तो मतलब हमारी मिसाइल बढ़िया है। तो ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये क्या है, ये एक तरीके का ड्रोन है जिस पे आपकी टेस्टिंग करी जाती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, तो डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली क्या करा है, सक्सेसफुली टेस्टेड द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका नाम क्या है, अभ्यास, यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। ठीक है, मिसाइल सिस्टम्स को इवेल्युएट करने के काम करता है। अब डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया। अब डीआरडीओ के जो भी टेस्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में होते हैं, ऑफ द कोस्ट ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। ठीक है, ये जो जगह है चांदीपुर, ये कहाँ पर है भैया, इट इज इन उड़ीसा, यस और नो, चांदीपुर कहाँ पर है, चांदीपुर इज इन उड़ीसा। अब मैं ये चीज पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैं इस चीज पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग क्या पढ़ के जाएंगे, आप लोग पढ़ के जाएंगे कि डीआरडीओ ने टेस्ट करा अभ्यास नाम की सैटेलाइट पे, अभ्यास 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 रट के चले गए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में अभ्यास आया ही नहीं। उसने सिंपल सा जनरल सा जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा बताओ डीआरडीओ की टेस्टिंग किस लोकेशन से होती है, चार ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक ऑप्शन आपका चांदीपुर होगा, यस और नो। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये जो हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी पढ़े उसका इंपॉर्टेंस पता होना बहुत जरूरी है, वरना पढ़ने में मजा नहीं आता है, ठीक है ना, आप ईमानदारी से फिर पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये क्लियर हो कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट जो जानकारी न्यूज में होती है उस पे सवाल नहीं आता, उससे रिलेटेड उसके साइड के फैक्ट्स पे सवाल आ जाता है, साइड फैक्ट्स, ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, जनरल जीके क्वेश्चंस। अरे ये तो जीके वाली बातें पता होनी चाहिए थी, कैसे पता होनी चाहिए थी, अब कौन सी किताब इतनी डिटेलिंग में लिखती है कि कहाँ पर टेस्टिंग होती है, वो दिस दैट, और लिखती भी है तो ऐसी किताब इतनी हैवी होती है कि पढ़ने से पहले इंसान की रूह कांप जाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस करोगे, ठीक है, तो और उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स फोकस करोगे, तो आप सिर्फ करंट चीजें नहीं जान रहे हो, एक जनरल जीके का सेंस भी आपको मिल रहा है, इसको कहते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको करंट अफेयर्स प्लस जीके क्लास कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जीके भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं डीआरडीओ टेस्टिंग कहाँ से करता है, अब ये चीजें कोई बताने नहीं आता, ये चीजें ऑब्जर्वेशन से आती है, अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते रहोगे तो चांदीपुर का नाम आता रहता है, जिसकी न्यूज पे कमांड अच्छी होगी उसको चांदीपुर का नाम पता होगा। तो ये सारी टेस्टिंग जनरली डीआरडीओ कहाँ से करता है, चांदीपुर से करता है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है चीजें आपको क्लियर होंगी, हाँ, इंसान की रूह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। बहुत किताबें लिखी गई हैं इंडिया की फार्म क्राइसिस पे, उन्हीं में से एक किताब ये है, द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, तो आपको बताना है इसका ऑथर कौन है। सोने पे सुहागा, विक्रम सेठ, जयदीप हर्दिका, किरण देसाई, मंजू कपूर। या करेक्ट आंसर ना विक्रम सेठ है ना ही डी है, करेक्ट आंसर है जयदीप हर्दिका।
जयदीप भरदीकार एक रूरल जर्नलिस्ट है, मतलब रूरल एरियाज में लिखते हैं। तो ही टेक्स द रीडर, देखो इन्होंने इस शुरुआती लाइन से यही करी कि 2014 की मॉर्निंग में एक आम से कोई महाराष्ट्र का गांव था जहां पर कॉटन की फसल लगती थी, एक किसान थे राम राव पंचलिंगवार, विदर्भा रीजन से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन बहुत न्यूज में रहता है, यहाँ पर सूखे की प्रॉब्लम बहुत रहती है, ठीक है, सूखी ड्रॉट की कंडीशन रहती है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर विदर्भा में ही सूखा क्यों पड़ता है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड की 2 बोतल खा के उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दी। अब ऐसा नहीं है कोई शौक शौक में सुसाइड कर लेता कि आओ चलो सुसाइड का मनोरा सुसाइड कर ले। तो अगर कोई पर्सन इस हद तक अगर मजबूर है कि वो उसे सुसाइड करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे के रीजंस बहुत डीप होते हैं, तो हमें उन रीजंस पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर सुसाइड करता है तो वो एक स्टेट का लॉस है, स्टेट के रिसोर्स का लॉस है, क्योंकि कोई भी पर्सन सरकार का कंट्री का एक रिसोर्स होता है। हो सकता है वो पर्सन कल जाके कुछ अच्छा काम करता, कंट्री को बढ़ावा देता, ठीक है। तो इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए जयदीप हर्दिकार ने किताब लिखी है, किताब का नाम है इंडियाज फार्म क्राइसिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियाज फार्म क्राइसिस किसकी किताब है? जयदीप हर्दिकार, जयदीप हर्दिकार। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्स फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग बूथ्स, बताइए। रिसेंटली द ईसीआई हैज लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल एप्स फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग बूथ्स, इतना तो दिख रहा है सर। भीम तो नहीं है, भीम तो यूपीआई ऐप है, ठीक है, बाकी बताइए। और लोग बताइए, कुछ लोग गरुड़ आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? गरुड़, तो मैं देख रहा हूँ इससे बड़े मिक्स आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, ऐसे गरुड़ सी बी डी, अरे बस CBD सभी बताए जा रहे हैं, बट मेजोरिटी इज विद गरुड़। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज गरुड़। तो इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बनाई है गरुड़, उससे क्या करेंगे, कंट्री में जितने भी पोलिंग बूथ हैं, पोलिंग बूथ जहाँ पर इलेक्शन करवाया जाता है, उसकी सबकी लोकेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, इस ऐप पर मिल जाएगी। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस ऐप का यूज करके जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनकी डिटेल्स को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हर पोलिंग बूथ पे वो जाके चेक कर सकते हैं, हाँ यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, प्लस इनकी फोटोज वगैरह सब आपका ये ऐप पे अपडेट होती रहेगी। तो सारे पोलिंग बूथ पे नजर रखने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ऐप बनाई गई है गरुड़, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, फॉर द डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस। तो वहां पे जो भी बूथ लेवल ऑफिसर होगा, वो आपका सारा डेटा पोलिंग बूथ का, जो भी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी जानकारी चाहिए होगी, वो उस पर अपलोड कर देगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। अब आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। हाँ जी बताइए। फुल फॉर्म तो शायद नहीं है गरुड़ की, नहीं फुल फॉर्म नहीं है गरुड़ा, एक्चुअली पक्षी पंक्षी को कहते हैं। जो इंडियन एयरफोर्स में आप देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स के जो कमांडोज होते हैं ना, जैसे हर आ, आ, हर फोर्स के कमांडो का एक स्पेशल नाम होता है, जैसे नेवी में मार्कोज होते हैं, है ना, आर्मी में पैरा कमांडोज होते हैं, और इसी तरह से एयरफोर्स में गरुड़ कमांडोज होते हैं, ठीक है। गरुड़ एक पंक्षी को कहते हैं, चिड़िया।
आर्टिकल 315, इज इट रियली 315 मेजर? ओ माय गॉड, दो लोग सेम गलती कैसे कर सकते हैं भैया? आर्टिकल 315 पढ़िए, आर्टिकल 315। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 315 तो 323 वो यूपीएससी चलता है ठीक है। इसके लिए है आपका आर्टिकल 324, 324 है ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है। चलिए अब ये बताइए, करंट में करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जगदीश? नहीं जी, और याद करिए, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? जल्दी बताइए भाई, ये तो याद होना चाहिए। अरे भाई, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो याद होने चाहिए भैया, मिस्टर सुशील चंद्रा ठीक है। सुशील चंद्रा हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हिंदुस्तान के? पहले पहले तो चीफ नहीं होते थे, पहले इलेक्शन कमिश्नर होते थे, तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के? हाँ जी, आजादी के बाद पहले इलेक्शन कमिश्नर बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है पता है आपको, एसआई स्क्रीनिंग में आया था ये क्वेश्चन। हाँ जी, मिस्टर सेन, मिस्टर सेन, ये तरीका बढ़िया, नाम पूरा याद ना है तो मिस्टर सेन। यूडीसी या मुझे याद है एसआई की स्क्रीनिंग में पूछा था शायद ये। अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में रिपीट हुआ है ठीक है। हाँ जी, तो पहले थे आपके मिस्टर सुकुमार सेन ठीक है, सुकुमार सेन थे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, ये नहीं कि अलग से बैठ रहे हैं सारे इलेक्शन कमिश्नर के नाम याद कर रहे हैं, इसी में करंट अफेयर्स के साथ करते करते चीजें हो जाती हैं। चलिए इसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। कोंकण शक्ति इज द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कोंकण शक्ति हम किस कंट्री के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ जी बताइए, कोंकण शक्ति हम किस कंट्री के साथ कर रहे हैं? कोंकण शक्ति भैया किस कंट्री के साथ कर रहे हैं? द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? करेक्ट आंसर इज यूके, यूनाइटेड किंगडम ठीक है, वहां के आर्मी चीफ हमारे चीफ दोनों मिलके इस पे साइन कर रहे हैं ठीक है। इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे एक्सरसाइज होगी, ऑब्वियसली कोंकण कोस्ट वेस्ट कोस्ट है ठीक है, इंडिया की वेस्ट कोस्ट में एक्सरसाइज होगी 21 to 23 अक्टूबर, तो हो भी गई होगी ठीक है। तो याद रखिएगा, यूके के साथ हमने कौन सी एक्सरसाइज करी? कोंकण शक्ति 2021। भैया जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, उसमें इसको डाल देना, ये मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और मिलिट्री एक्सरसाइज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ए करेंट अफेयर्स ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आज उपांग चिरांग नहीं आया शायद आज, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। रिसेंटली ऑन विच डे 60th रेजिंग डे ऑफ द ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इज सेलिब्रेटेड। रिसेंटली ऑन विच डे 60th रेजिंग डे ऑफ द ITBP विच डे, हाँ 60th रेजिंग डे ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इज सेलिब्रेटेड, बताइए। करेक्ट आंसर इज 24 अक्टूबर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, 24 अक्टूबर। ITBP क्या है, एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, मतलब ये होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में नहीं है, ये किसके कंट्रोल में है, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में। और कौन कौन सी होती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आपका, इसमें आपका CISF आता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक आता है सशस्त्र सीमा बल SSB। ठीक है, ये सारी चीजें आपका इसमें आती हैं। हाँ जी एक मिनट बस। हाँ इसकी हम बात कर रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे, एक हो गया आपका CISF, CRPF, ITBP, ठीक है, BSF और SSB। तो ये पांच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। CISF को हम इंडस्ट्रीज में जनरली यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में जैसे मान लीजिए मेट्रो हुआ या कोई PSU हुआ, उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किसको लगाते हैं, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CRPF का बहुत ही मतलब वाइड काम रहता है, लाइक आपका जैसे मतलब मान लीजिए इन द मतलब शहर के अंदर कुछ अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो भी डील करते हैं, जनरली कश्मीर में डील करते हैं। ठीक है, या नक्सलाइट्स एरिया में डील करते हैं। ITBP इंटो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये वो तिब्बत बॉर्डर पे डील करते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पे रहते हैं। और SSB रहती है आपका जनरली नेपाल वाले बॉर्डर पे। ठीक है, तो ये पांच फोर्सेस हैं, इन सब के अपने अपने कुछ कुछ फिक्स काम है। तो हम बात कर रहे हैं ITBP की, तो 24 अक्टूबर को रेजिंग डे सेलिब्रेट होता है ITBP का, क्योंकि 24 अक्टूबर 1962 में हमने इसको क्रिएट किया था। अब देखो कोई भी फोर्स बनी है ना, ITBP हो या कोई भी फोर्स हो, उसके पीछे कहानी जुड़ी होती है। ITBP के भी पीछे कहानी ये जुड़ी है कि 1962 में हमने चाइना से वॉर हारा था। ठीक है, तो चाइना से वॉर हारने के बाद हमने इस बॉडी को क्रिएट किया, इस फोर्स को क्रिएट किया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को, ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, तो ये अरुणाचल वाले एरिया में और इंडो चाइना वाले एरिया में कवर करती है अपनी पेट्रोलिंग को। तो ITBP ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर। हाँ जी, आसाम राइफल के साथ केस अलग है। ठीक है, आसाम राइफल के साथ केस ये है कि वो पैरामिलिट्री फोर्स है और वो दोनों के अंडर में आती है। आसाम राइफल्स के ऊपर होम मिनिस्ट्री का भी कंट्रोल है और डिफेंस मिनिस्ट्री का भी कंट्रोल है। इनके ऊपर प्योरली होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल है, तो होम मिनिस्ट्री इनकी सैलरी देती है और जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर कैसे ऑपरेट करना है, वो सब आपका इनका कौन डिसाइड करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। ठीक है, तो आसाम राइफल्स भी पैरामिलिट्री फोर्स में आती है, लेकिन ये इसके साथ केस ये है कि दोनों मिनिस्ट्रीज के अंडर आती है, होम में भी और डिफेंस में भी। ठीक है, तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं अपने, जैसे मणिपुर मिजोरम साइड में म्यांमार से, तो वहां पर हमारी आसाम राइफल्स सेना आते हैं। ठीक है, तो ये आसाम राइफल्स है। हाँ जी, बाकी सब क्या है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। कोई और डाउट है मेजर आपका, थोंगम आपका कोई डाउट है? देखिए मिलिट्री तो डायरेक्ट आर्मी को बोलते हैं। ठीक है, और पैरामिलिट्री होती है जो आर्मी की तरह जिसका क्रिएशन होता है, बट एक्चुअल में वो आर्मी नहीं होती। ठीक है, उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो वो हो जाती है आपकी पैरामिलिट्री। हाँ जी,
और कोई दिक्कत? हाँ जी, इन सब में अगर हम बात करें, आसाम राइफल इज द ओल्डेस्ट। हाँ जी थुंगम जी, बस ये टारगेट रहता है, कुछ नया सीख के जाएं आप। ठीक है, ऑल राइट। आसाम राइफल ओल्डेस्ट है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ये हमारे पास थी ये बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द उन्नति प्रोग्राम टू हेल्प इक्विप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया विद इंडस्ट्री रेलिवेंट डेटा सेंट्रिक स्किल्स। बताइए जी। कहाँ गया? एक मिनट। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ उन्नति प्रोग्राम टू हेल्प इक्विप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन इंडिया विद इंडस्ट्री रेलिवेंट डेटा सेंट्रिक स्किल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंटेल। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज इंटेल। ओके, अब देखिए होता क्या है, सीन ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए, जैसे डॉक्टर्स के साथ सीन क्या होता है, जो भी मेडिकल कॉलेज होगा ठीक है, उससे रिलेटेड एक आपका हॉस्पिटल जरूर एसोसिएटेड होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में रियल टाइम जो भी केसेस आपके होंगे, तो जो भी डॉक्टर बन रहा है, जो भी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहा है, वो रियल टाइम केसेस को एट द टाइम सीख पाएगा। तो कंट्री में या उस टाइम हिंदुस्तान में या लोकेशन में, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह की बीमारी आ रही है, कोरोना आ रहा है, कौन सी बीमारी आ रही है, तो वो जो डॉक्टर है जो ट्रेनिंग ले रहा है, एमबीबीएस बन रहा है, जो भी इंटर्नशिप कर रहा है, तो वो अपने पढ़ाई के दौरान ही सीख जाता है कि उसकी फील्ड में, उसकी मेडिकल फील्ड में इस टाइम क्या चल रहा है। अब कोरोना चल रहा है तो उनके सिलेबस में कोरोना तुरंत अपडेट हो जाएगा, वो सब कुछ जानकारी पढ़ के चले जाएंगे। तो डॉक्टर के साथ तो ऐसा केस रहता है, लेकिन इंजीनियर्स के साथ केस डिफरेंट है। उनके साथ क्या होता है, उनका उनका सिलेबस चल रहा है बहुत पीछे, पता चला उनके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अभी एंड्रॉयड नाम का शब्द ही नहीं आया। ठीक है, एंड्रॉयड जो आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बीटेक कर रहा है, अब उनके में एंड्रॉयड सिलेबस में ही नहीं आया। तो जो इंडस्ट्री होती है, जो मार्केट में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उससे काफी पिछड़ा हुआ हमारा क्या रहता है, सिलेबस रहता है। बस कुछ आईआईटीज हैं जो अपना सिलेबस अपडेट रखती हैं, बाकी आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखें सिलेबस बहुत आउटडेटेड होते हैं। इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी छोड़ चुकी हैं, वो अभी भी कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है। तो क्या होता है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और जो एक बच्चा स्किल सीख के आ रहा है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उनके बीच में क्या आ गया, एक गैप आ गया। जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो इसको जानकारी है ही नहीं, तो अब वो इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज कहती है हम नौकरी देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं जिसके पास स्किल्स हो। अब ये बंदा जो नया नया इंजीनियरिंग फ्रेश आउट है, इसको कॉलेज में तो कोई स्किल मिली नहीं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो रहता है, अधूरा रह जाता है, ये अधूरा रह जाता है, इस गैप की वजह से इसको नौकरी मिल पाती है नहीं। तो इसीलिए इंटेल एक प्रोग्राम के साथ आई है कि ये उन्नति डेटा सेंट्रिक लैब्स बनाएंगे। ठीक है, वो उन्नति प्रोग्राम के अंदर उन्नति डेटा सेंट्रिक लैब्स बनाएंगे, जिसमें ये नई नई टेक्नोलॉजीज, ठीक है, फॉर एड्रेसिंग द स्किल गैप्स इन न्यू एज टेक्नोलॉजीज, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जो आपको सिखाया जा रहा है, तो इसके बीच में जो स्किल गैप है इसको एड्रेस करेंगे, इसको कम करेंगे। ठीक है, तो ये पर्पज है इस प्रोग्राम का। क्लियर है कि नहीं, उन्नति प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये उन्नति प्रोग्राम कौन लेके आया, इंटेल लेके आया। बस इतना पता है तो मोर देन एनफ पता है, क्योंकि मेन चीज नहीं होता रट रट लेना, नहीं होता है। अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। ना एप्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। बताइए जी। लास्ट क्वेश्चन आज का,
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 30, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अच्छा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का भैया मतलब है, जैसे हम कहते हैं कंट्री में चलता है हमारे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब सारी चीजें कानून के हिसाब से चलती हैं, ठीक है? रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ इज द किंग। पॉलिटी में हम इस चीज को पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में, लॉ इज द किंग, और इसको लैटिन में लिखते हैं लेक्स रेक्स। लॉ इज द किंग यानी कंट्री में जो भी चीजें चलेंगी वो एज पर द लॉ चलेंगी, कानून के हिसाब से चलेंगी, कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा। तो अब एक रिपोर्ट निकाली जाती है, एक इंडेक्स निकाली जाती है जो मेजर करता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ किस हद तक फॉलो हो रहा है, यानी उनके यहाँ चीजें प्रॉपर कानून के हिसाब से चलती हैं या नहीं चलती हैं। पता चला कानून में कुछ लिख रहा है और कंट्री में कुछ हो रहा है, तो कानून के हिसाब से आपकी कंट्री चल रही है या नहीं चल रही है, किस हद तक चलती है, इसकी रैंकिंग जो रिपोर्ट निकालती है वो कहलाती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है? हाँ जी। और ये काम किसका है भैया? ये काम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का ये काम है, एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है वर्किंग टू एडवांस द रूल ऑफ लॉ अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जो दुनिया में रूल ऑफ लॉ चल रहा है उसको और मॉडर्नाइज करना और उसको इवॉल्व करना और उसको एडवांस करना। ये कहाँ का है? अमेरिका का है, ठीक है? ये कहाँ का है? अमेरिका का है। ये लोग क्या क्या मानते हैं? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट डिफाइन्स द रूल ऑफ लॉ सिस्टम एज वन। रूल ऑफ लॉ सिस्टम वो कहाँ मानते हैं कि कहाँ फॉलो हो रहा है, मतलब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपकी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, उसके उन्होंने कुछ पैरामीटर्स क्रिएट कर दिए हैं। वो अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपकी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, और नहीं फॉलो हो रहे हैं तो नहीं है। वो पैरामीटर्स क्या हैं? जैसे कि गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स एंड एजेंट्स आर अकाउंटेबल आर अंडर द लॉ। मतलब कानून में ऐसा नहीं हो कि जो आपके एक सरकार है, जो उसके अधिकारी हैं और जो एजेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई कानून की नजर ना हो। मतलब ऐसा ना हो सरकार अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर दे, सरकार की भी जवाबदेही होनी चाहिए। और याद करिए जब हमने लवासा का पहला लेक्चर पढ़ा था तो इसी को हमने कहा था गुड गवर्नेंस, ठीक है? इसी को क्या कहा था हमने? गुड गवर्नेंस। मतलब जो सरकार रिस्पॉन्सिबल होती, अकाउंटेबल होती, उसी को हम क्या कहते हैं? गुड गवर्नमेंट। कानून क्लियर होने चाहिए, पब्लिक को कानून पता होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। स्टेबल मतलब ऐसा नहीं आज कुछ कानून 2 दिन बाद कुछ, टिकने चाहिए। फेयर होने चाहिए, फेयर मतलब ऐसा कोई कानून ना बना दे कि मतलब अमीर लोगों को सजा ही नहीं होगी, इस तरह के अनफेयर कानून नहीं बनेंगे। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाने चाहिए, लोगों की सिक्योरिटी प्रॉपर्टी को बचाने के कानून होने चाहिए, ठीक है? और जिस प्रोसेस से वो कानून बनते हैं, एडमिनिस्टर होते हैं, वो प्रोसेस एक्सेसिबल होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, जस्टिस इज डिलीवर्ड बाय कॉम्पिटेंट, एथिकल एंड इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड न्यूट्रल हु आर सफिशियंट नंबर। मतलब जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, कॉम्पिटेंट है मतलब उनको नॉलेज है पूरी लॉ की, एथिकल है, जायज है, इंडिपेंडेंट है मतलब उनपे किसी तरह का दबाव नहीं है। इसी तरह के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो आपकी कंट्री में चेक करें कि रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए रूल ऑफ लॉ की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन भी बन सकती है, इसलिए मैंने ये 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है? टू मेक योर व्यू ऑफ द रूल ऑफ लॉ मोर ब्रॉड, ठीक है? ताकि आपका जो रूल ऑफ लॉ को सोचने का नजरिया है उसको और ब्रॉडनेस दी जा सके, इंटरव्यू वगैरह में या कभी आंसर राइटिंग वगैरह में इस तरह के पॉइंट्स आपको काम दे जाते हैं, ठीक है? चलिए जी, तो आज का पोर्शन हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी अभी और भी क्वेश्चन है, तो 131 के बाद अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। हाँ जी आनो जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप हमारी क्लास में आए, ठीक है? उम्मीद है कुछ सीख के जा रहे होंगे। और अगर कोई नया पर्सन है जिसको पीडीएफ चाहिए हो, इसका क्या कहते हैं, जो भी आपका करंट अफेयर्स चल रहा है, तो 8076535685, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दिए। इसके अलावा ये नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको एक फ्री ग्रुप में ऐड कर देंगे। फ्री ग्रुप है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, तो वहां पर जो भी मटेरियल आपको डिलीवर होगा कम्प्लीटली फ्री होगा।
जो भी हमारी मतलब लाइव क्लासेस होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं फेसबुक पे यूट्यूब पे, तो उन सबकी जानकारी आपको इस ग्रुप पे मिलती रहेगी। जो भी फ्री कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो इस ग्रुप पे आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एट द व्हाट्सएप नंबर 8076535685, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास यहीं ऐड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।